देखा। रक्षाबंधन की देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के जवान को आतंकवादियों ने अगवा किया। इलाके में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। दुनिया में 1,82,32,906 कोरोना संक्रमित केस, 6,92,745 कुल कोरोना मरीजों की मौत, 7,96,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों का चल रहा इलाज। देश में 18,00,000 से ज्यादा कुल कोरोना संक्रमित केस, कुल 38,107 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत, 5,77,000 से ज्यादा मरीजों का चल रहा इलाज। पंजाब में जारी कोरोना का कहर, पंजाब में कोरोना का आंकड़ा 17,850 के पार, अब तक 11,465 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। भूमि पूजन से पहले राम मंदिर की तैयारियों का जायजा लेने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। कल सीएम योगी का कैबिनेट मंत्री की मौत की वजह से दौरा रद्द हो गया था। बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी को भी दिया गया भूमि पूजन का निमंत्रण, कहा ये राम की इच्छा है, मैं सभी का सम्मान करता हूं। पंजाब में जहरीली शराब से 104 लोगों की मौत, विपक्ष ने कैप्टन सरकार को घेरा, प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। जहरीली शराब कांड को लेकर पंजाब आम आदमी पार्टी ने कैप्टन सरकार के खिलाफ पंजाब भर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मृतक परिवारों के लिए मुआवजे के तौर पर 20,00,000 रुपए देने की मांग की है। फिरोजपुर के गांव शहजादी संज में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में फांसी पर लटका मिला युवक का शव, मृतक युवक के हाथ बंधे हुए मिले, जिसके बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है।